पहाड़ों में कुछ इस टाइप से मेहनत करी जाती है, जो सूखा गोबर होता है उसमें इसका ना काफी यूज होता है। तो सब चीज बने शाम तक पूरा तैयार कर देते हैं, क्योंकि साउंड तो कुछ ऐसा ही आया यार, कुछ नुकसान ना हुआ हो। अब देखो भाई, इसको पैदल चलने के लिए बोलते हैं, क्या बोलता है ये, क्योंकि ये ड्रामे करता रहता है पैदल चलने के लिए। इसको पता नहीं है कि आगे गाड़ी है। छोटो चलो पैदल, चलो पैदल पैदल हाँ कर, तू स्टार्ट कर भाई। तो चलिए फिर एक और ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजान नेगी, स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे घर से और मेरे इस गाँव से और इस बारिश भरे मौसम से। इसी बारे में कुल शुरू बारिश भी शुरू क्या बोल रहा, किसकी गाड़ी है? देखो आज इनको ना लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, प्रार्थना भी हो गई और अब जाके जा रहे हैं ये लोग। पापड़े पापड़े तो इन कुत्तों की वजह से हमने अपने पास ना अपना मतलब सेफ्टी के लिए डंडा रखा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं दिल में और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेली दिल में क्या करते रहते हैं। अभी पहाड़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बोलते हैं ना कुछ मंत्र वगैरह होते हैं या मतलब कभी सांप वगैरह काट लेते हैं तो उन सारी चीज़ों के जहर निकल जाते हैं। अब लास्ट हमारे पास वही ऑप्शन है कि हम उसी भरोसे जा रहे हैं भी है ना, वो मतलब इन चीज़ों को जानते हैं तो उनके पास जा रहे हैं। अब उनके पास दो दिन कंटिन्यू जाना ही पड़ता है, मतलब पहले दिन हो गया और सेकंड डे हो गया। बोले ठीक है थोड़ा सुबेर में सुरूर शाम आता पूर। देखो भाई पहाड़ों में कुछ इस टाइप से मेहनत करी जाती है और इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में ना सोल्टा बोलते हैं। अब इस पे जैसे घास वगैरह लेना हो गया, फिर जो सूखी गोबर होती है उसको भी डाल देते हैं इससे, और लकड़ियाँ वगैरह होते हैं बहुत यूज़ में आता है ये हमारे। और इसको बनाने में वैसे ना लगभग एक दिन में बन जाता है, मैं ये तैयार हो जाता है सुबह से शाम तक लगे रहो तो ये तैयार हो ही जाता है, बनाया जाता है। पर इसको निकालना, फिर इसको लगभग ये मान के चलो कि निकाल के पूरा छिलना पड़ता है, इस टाइप से पतला बनाना पड़ता है इसको ना। कितिया के क्या चीज बनाना है हमने, ये पलटा वो यो मकना वो यो सप्पा वो यो टोकरा वो यो हथगना वो यो सब चीज बनवा गुलदस्ता सब तो सब चीज बनाना है। देखो भाई कि यहाँ पे जो हमारी भाभी लोग हैं उन्हें ना ये खुद बनाया है। अब इनको ये सुबह से मतलब शाम तक पूरा तैयार कर देते हैं। अब ये क्या कीमत के जा रहा हो नी? अच्छा जे हिसाब से मतलब समझा अजन सुपासी सुपा मुलखना ही 350। अब देखो मतलब बहुत बड़ी बात है यार, मतलब ये सारी चीज़ें तैयार करना और खुद ही तैयार करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और तैयार करते हैं, अपने आप तैयार करना है और उसके बाद इनको ना मतलब सेल करते हैं, जैसे मतलब जिसको जिस हिसाब से पड़ जाए। मतलब अब होता है ना कि अब ना कस्टमर होता है, अब किसी को 200 में हो जाता है, कोई 200 में रख लेता है, कोई 250 में, जिस हिसाब का कस्टमर मिले उस हिसाब से इनको दे देते हैं। से निकल गए हैं, लगभग 2-2.5 घंटे हम लोग यहाँ पे रहे और जो भी इन लोगों की बातें वगैरह चल रही थी वो तो चल ही रही थी, और अभी चाय वगैरह भी फिर हम लोग भी निकल गए हैं।
अब देखो इन रास्तों पे चलना ना बहुत ज़्यादा टफ है, और वैसे ही आजकल बारिश वगैरह हो रही है और उस वजह से ये सारे रास्ते ना फिसलन भरे हो रखे हैं। अब ये देखो भाई, जस्ट अभी ना पता नहीं कहीं मतलब ये कोहरा लगा हुआ है, इसके बीच में पता नहीं कहाँ पे टूट गया कुछ, क्योंकि साउंड तो कुछ ऐसा ही आया ना, है ऐसा लगा कि कुछ टूटा मतलब पहाड़ वगैरह टूटा हुआ है, टूट गया। अब यार कुछ नुकसान ना हुआ हो, बाकी सिर्फ वही मतलब माइंड में वही चल रहा है। चलो पहले चलते नीचे। यहाँ से निकल रहा था ना, अभी घर से कॉल आया कि अपना जो घर है वो टूट चुका है, अब पहले घर पे चलते हैं यार, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। दिल्ली से डिसेंड कर रहे थे उस टाइम पे, हम लोगों ने थोड़ा आवाज़ वगैरह सुनी थी कि कहीं पे कुछ टूटा हुआ है, और हम लोग आपस में बातें भी कर रहे थे कि यार कहीं पे टूटा है तो मतलब बस यही होना चाहिए कि नुकसान वगैरह नहीं होना चाहिए। और उसके जस्ट बाद ताऊजी का कॉल आया मुझे कि अपना जो पुराना घर है वो टूट चुका है, और उसके बाद मैं वहाँ से ना भागते भागते नीचे आया, फिर मैंने ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया कि ब्लॉग बनाना क्या करना, उसके बाद मैं सीधे रोड पे आया और घर पे पहुँच गया। उसके बाद वहाँ पे देखा तो गौशाला दबी हुई थी और एक छोटा सा गाय का बछड़ा ना अंदर फंसा हुआ था, उसको बाहर निकाला, फिर जो और गाय थी वो सेफ थी। तब जाके थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार चलो गौशाला है तो वो बनने वाली चीज़ है तो वो तो बन जाएगी, इस वजह से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बाकी मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।